आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला मुरादाबाद के ब्लॉक मुंडा पांडे के गांव बरवारा खास पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 20 किलोमीटर तो वहीं ब्लॉक से 8 किलोमीटर है। 5000 वोट और 15000 की जनसंख्या वाले इस गांव की कमान श्रीमती माला बी के हाथों में है। गाँव वालों ने इन्हें प्रधान चुनकर गाँव की जिम्मेदारी का सेहरा इनके सर बांध दिया है। इन्होंने भी जिम्मेदारी को निभाते हुए गाँव में अच्छा विकास कराया है। यह गाँव विकास के पथ पर अग्रसर है। ग्राम प्रधान माला बी और सचिव नरेश सिंह द्वारा स्कूलों में सौंदर्यकरण और सड़क निर्माण का काफी विकास यहां पर कराया गया है। बताते चलें कि हिंदू मुस्लिम दोनों ही समुदाय के धार्मिक स्थल पर भी काफी विकास कराया गया है। इनके विकास कार्यों को लेकर ग्रामवासियों में खुशी की लहर है। 4 वर्षों में किस तरह से गांव को सजाया है और क्या समस्याएं अभी बाकी हैं, आइए जानते हैं प्रधानपति की जुबान। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं ब्लॉक मुंडा पांडे के बरवारा खास ग्राम पंचायत में। यहां प्रधान द्वारा अब तक काफी विकास करवाए जा चुके हैं, जिसकी पूरी जानकारी हम प्रधान जी से लेकर आपको बताएंगे। तो आइए चलते हैं प्रधान जी के पास। प्रधान जी, टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। 4 साल आपके कार्यकाल को पूरे बीत चुके हैं, क्या क्या विकास कार्य अब तक आपने करवाए हैं गाँव में? मैंने लगभग टॉयलेट से कोई गांव कोई भी गरीब नहीं रहा है, पूरा ODF हो गई। टॉयलेट तो और मैंने ज़्यादा बना दिए हैं, अभी सरकार से पैसा भी नहीं मिला है जी। और लगभग 100 के लगभग आवास भी बनवाए हैं, आवास नहीं। और बाकी कोई भी रास्ता ऐसा नहीं छोड़ा है जिस रास्ते पर मेरे गांव के बराबर 2 गांवों का मिला के विकास नहीं हुआ जो मैंने अपने गरीबों का। टाइल्स वगैरह आपके गाँव में लगभग सभी जगह पर लग चुकी है, टाइल्स लगी है, नालियाँ बनी हैं, उसके ऊपर लिंटर डलवाया है नालियों के, जो जो आम रास्ता है। और उसके बाद गांव से जो जैसे मंदिरों में टाइल लगवा दी, जो मेरे गांव के अलावा किसी गांव में मंदिर में टाइल प्रधान ने लगवाई होगी, चाहे वो MP ने लगवा दी हो या विधायक ने लगवा दी हो, मेरे गाँव का मुआयना कर लिया जाए। और यहाँ DPRO साहब भी CDO साहब भी आए थे, उन्होंने भी देख के मतलब ये कि मैं खुद कहा कि गाँव में विकास बहुत है। जैसे सरकार की केंद्र सरकार की जो योजनाएं चलती हैं, उज्ज्वला कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, आपके गांव में इनका लाभ सबको मिला है? सबको दिलाया मैंने। और किसानों के खाते में जो सम्मान निधि का पैसा आ रहा है, फ्री वाले मीटर दिलाए हैं जी। किसानों को जो पैसा खाते में पड़ा है वो सबको पैसा मिला है जी। जिनका पड़ा है जी। सभी का सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट वगैरह, सोलर लाइट लगवाई है, ये लगी हुई है देखो सामने, और खम्भों पर वोसी वाली वैसी वाली लाइटें लगवाई है, कूड़ेदान लगवाए हैं गांव में देख लो। आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, ये सब बने हैं? राशन कार्ड मेरे यहाँ जब मैं प्रधान बना था तो 600 थे और इस वक्त 1165 बनवाए थे, अब उसमें नेट वेट से कुछ उड़ गए हैं, वो पूरे कराऊंगा। प्रधान जी, जैसा कि आपने बताया कि आप यहाँ पर इन 4 वर्षों से पहले भी लोगों की सेवा करते आए हैं, प्रधान पद पर रहे हैं, कितना समय आपको हो गया ये? मुझे 9 साल से ऊपर हो गए प्रधान बने हुए, मतलब एक बार पीछे बने थे जी। जब जितना मौका मिला प्रधान विकास कराया, अब पूरा मौका मिला है लगातार लगातार आप यहाँ पर दूसरी बार तीसरी बार, उम्मीद है कि लोगों का सहयोग आपके साथ पूरा रहेगा। अब ये ऊपर वाला जाने के हमने अपने उसमें सही करा है, विकास से आपने इतना करवाया है तो जाहिर बात है कि जनता आपको पूरा सहयोग करेगी जी। जी कितनी जो गरीब चाहे हिंदू मुसलमान सब मैंने एक नजर से देखे, मैंने मंदिरों में टेलर लगवाए, निष्पक्ष आपने जो है यहाँ विकास कराया, सभी की मदद की, मंदिरों का मुआयना कर लिया जाए। अभी किसी भी प्रधान ने मंदिर में टाइल्स नहीं लगवाई होगी जो मैंने लगवाई, जिसका मैं अभी चलते मौका दिखाऊंगा। स्कूल में कायाकल्प के अंतर्गत क्या? स्कूल में मैंने टाइल्स लगवाई है पूरे, उसमें जो आगे फ्लोर पड़ा है उसमें सब में मतलब ये टाइल लगवाई है। टाइल लगवाने के बाद पूरे स्कूल की मरम्मत, रंग, गेट लोहे का, उसके बाद समर से भी लगवाया है, बच्चों को हाथ धोने की टंकियाँ लगवाई हैं, किसी रंग की भी स्कूल में कोई पुताई नहीं पड़ती है, काफी सौंदर्यकरण स्कूल में आपने करवाया है। जी जी जी, स्कूल मौके पे है, देख लिया जाए। यहाँ पर सरकारी बिल्डिंग में स्कूल के अलावा जैसे बारात घर, पंचायत भवन, ये बने हुए हैं? ये नहीं बने, ये कभी सरकार ने हमें हमारी प्रधान जब से हम प्रधान बने हैं न, हमने मांग भी करी हमें मिली। आंगनवाड़ी केंद्र है जी, आंगनवाड़ी केंद्र है, और हिंदुओं के शमशान की मैंने मांग करी थी, प्रस्ताव भर के दिया था जी। तो वो लेके गए मुझसे जब थे वो क्या नाम था उनका, सतपाल सैनी जी, उन्होंने उधर से पैसा नहीं डाला, हिंदुओं का शमशान बनना बहुत जरूरी है। प्रधान जी, आप जैसे इतना विकास आपने गांव में करवाया है, आप अपने गांव को और विकसित और सुंदर बनाने के लिए क्या प्रमुख मांग आप सरकार से रखना चाहते हैं? अब सरकार से यही मांग है कि जैसे रास्ते रह गए हैं, पैसा होए, पैसा आ जाए तो वो काम भी कराए जाएं। कितने मीटर CC से लगभग जो है सारा रास्ता आपके गांव का पक्का हो जाएगा?
मेरा बड़ा गांव है इसमें तो ज़्यादा पैसों की जरूरत है, अब भी बहुत पैसा दिया है सरकार ने जी, और उसका मैंने गांव को लाभ दिया है। कितने परिवार यहां अभी ऐसे बाकी होंगे जिन्हें आवासों की ज़रूरत है? लगभग 100-100 पर ऐसे लोग हैं जिन्हें आवास की ज़रूरत है और सब जातियों में मिला जी। यहाँ पर जैसे बरारगढ़ पंचायत भवन नहीं है तो इसके लिए भी आप चाहेंगे कि सरकार यहाँ आपको मदद करे ताकि इसका निर्माण? हाँ, जगह है ही जगह है, अगर सरकार कहे तो हम बना लेंगे आप जी, जी। तो सरकार पैसा डाले बना लेंगे। जैसा कि आपने देखा ग्राम प्रधान से हमने यहाँ बातचीत की है, काफी विकास इन 4 सालों में इनके द्वारा यहाँ करवाया गया है, जैसे सीसी टाइल्स कार्य, सड़क निर्माण, नाली निर्माण, आवाज भी यहाँ कुछ लोगों को मिले हैं, शौचालय से भी ये गांव पूरी तरह से ओडीएफ हो चुका है, लेकिन अभी भी कुछ समस्याएं यहाँ बाकी हैं, जैसे कि बारात घर, पंचायत भवन का होना ग्राम पंचायत में आवश्यक है जो अभी तक निर्मित नहीं है। शमशान घाट को लेकर भी प्रधान ने यहाँ मांग रखी है जो कि बहुत ही जरूरी है, वरना यहाँ काफी परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ता है। अशरफ अली के साथ मैं नाज़रीन। क्या नाम है आपका? राम सिंह जी। राम सिंह जी, ये बताइए यहाँ विकास को लेकर क्या कहना चाहोगे? अच्छा काम कर रहे हैं प्रधान जी, बढ़िया। ये रास्ते मंदिर के जो प्रांगण में ईंट बिछाइए, किसने बिछाई है? प्रधान जी ने बिछाई है, मैं प्रधान जी हूँ, गाँव में भी काम करा रहे हैं और बहुत रोड बनवाए प्रधान जी ने, उन्होंने बहुत से पुलियाएं बनवाई हैं, जो मेन रास्ते हैं उन पर जैसे सड़क टूट गई हैं वो भी बनवाए हैं। आप संतुष्ट हो इनके काम से? हाँ संतुष्ट हैं जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आरिफ जी। आरिफ जी, ये बताइए 4 साल हो गए हैं ग्राम प्रधान जी के कार्यकाल को जी, जी। विकास कार्य को लेकर क्या कहना चाहोगे? मेरी इतनी उम्र हो गई, मैंने अपनी उम्र में अपने गाँव में इतना विकास नहीं देखा जो 5-4 साल में इतना विकास प्रधान जी हमारे कर चुके हैं। संतुष्ट हो आप? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, पूरा गांव संतुष्ट है इनसे, पूरे गांव इनके विकास से, इनके काम से। क्या नाम है आपका? रवि नाम है सर जी। रवि जी, बताइए यहाँ विकास कार्यों को लेकर क्या कहना चाहोगे? सर बहुत अच्छा, ये पहले हमारा रास्ता बहुत खराब था, हमारे प्रधान जी ने बहुत अच्छा किया, ये रास्ता डलवा दिया, पहले गाड़ी वाड़ी भी नहीं आती थी सर इस दर, अब गाड़ियाँ वाड़ियाँ सब कुछ सही ठीक ठाक आता है प्रधान जी के कारण से। हाँ सब बढ़िया है, सब कुछ ठीक ठाक।